ओके दोस्तों, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। सो जस्ट 5 से 10 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई नो योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस, क्यों हिला डाला ना। सो यस, पेपर वाज अबाव एवरेज पेपर, May 25 में अच्छा है जो निकल गया वो निकल गया, बिकॉज पेपर भी इजी, चेकिंग भी इजी। इस बार एमसीक्यू वो लोग ने थैंकफुली इजी रखा, बट बाकी डिस्क्रिप्टिव, यस इट वाज गुड, इट वाज चैलेंजिंग। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, देन इन दैट केस थिंग्स विल बी मैनेजेबल, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट ऑन एन एवरेज इट इज एन अबव एवरेज पेपर इज व्हाट आई विल से, बिकॉज जो पेपर लिखता है ना उसको रियल में पता चलता है कि यार क्या हालत हो रही है। सो वो कंसिडर करके दिस इज व्हाट आई विल गिव माई अनबायस्ड व्यू एज। अब 5 मिनट में लूंगा, फटाफट एक रिव्यू ले देता हूँ। ओवरऑल पेपर अबव एवरेज था, तो अगर आपका पेपर ठीक ठाक गया है, कुछ खास नहीं गया है, सो डोंट वरी, पूरे इंडिया का पेपर ऐसे ही गया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो चुकी है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोल भी ले लिया है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑडिट का पेपर खराब मत करना। अब प्लीज 7 o'clock से ऑडिट पूरी तरह से स्टार्ट कर देना। अगर तुम लोगों को एक ओवरव्यू चाहिए, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो ये देखो, पेपर मेरे हिसाब से अबव एवरेज था, एमसीक्यूज वर मैनेजेबल, सो होपफुली यहाँ पे आप लोग अच्छा स्कोर कर लोगे। मोर फोकस दिस टाइम वॉज ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो थियोरी इतना ज्यादा नहीं पूछा है। डोंट टेक एनी चैप्टर लाइटली, प्लीज ये चीज को फॉलो करो। इंस्टीट्यूट का एग्जाम है ये, प्लीज, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, तो डोंट टेक एनी चैप्टर लाइटली। फॉरेक्स भी आया है ये बार, अपन ने देखा थ्योरी वो लोग ने स्किप कर दिया, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में सिनेरियो वन सिनेरियो टू आ गया। सो यू नो इंस्टीट्यूट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। अपन जो लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और जो अपने को डिग्री इतनी बड़ी मिलने वाली है, पेपर इजी होना भी नहीं चाहिए, चैलेंजिंग पेपर होना चाहिए, और चैलेंजिंग पेपर को क्लियर करके जब विल गेट गुड मार्क्स, दैट्स यू नो वेयर द चार्म लाइज। कवरेज मेरे हिसाब से काफी सारा जो क्वेश्चंस था वो मैंने मेरे रिवीजन वीडियोस में तुम लोगों को करवाया था। ऑप्टिमाइज मैजिक बुक अगर आपने बराबर से किया है, श्योर शॉट वीडियोस मेरे बराबर से किए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे नोस्त्रो बोस्त्रो अकाउंट वाला मेरे श्योर शॉट वीडियोस में से था। रिवीजन वीडियोस में से काफी जो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो वाली, म्यूचुअल फंड वाली चीजें जो करवाई वो थी, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स तो जो हम लोग ने, जिसने भी अगर मेरा वो मैराथन लेक्चर देखा होगा, वो सेम ऑलमोस्ट सम एज इट इज आया। सो यस, अगर एफर्ट लिए हैं आपने भी, हमने भी, अगर वो नवरात्रि वाला जो प्रैक्टिकल क्यू एन एज देखे आपने, वो तो पूरा फोकस ही प्रैक्टिकल क्यू एन एज के ऊपर था, वही रिविजन वीडियोज की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्टिमाइज मैजिक बुक ढंग से किया है, श्योर शॉट वीडियोज दिया है, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन। एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वॉज योर पेपर। सो प्लीज आप लोग बताना कमेंट्स में आप लोगों का पेपर कैसा गया, सो दैट इन जनरल पीपल विल नो दैट हाउ ओवरऑल इट वॉज। सो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, उसने भी मेरे साथ एक रिव्यू ओवरऑल शेयर किया है कि भाई देखो, फर्स्ट वाला था पोर्टफोलियो प्लस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज भी था उसमें कंबाइंड, सो 18 मार्क्स वहां पे आ गया। डेरिवेटिव्स का ऑप्शन था बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, एंड मर्जर्स का था एक क्वेश्चन, ये ऑप्टिमाइज्ड का क्वेश्चन नंबर 5 में से था। फिर बाद में आप लोग नोट करेंगे कि क्वेश्चन 1A पोर्टफोलियो फॉर 6 मार्क एंड इट वॉज प्रैक्टिकल, मेजरली सब प्रैक्टिकल ही था, चैप्टर 1 का थ्योरी एक खाली आया, ये भी आप लोग देखेंगे मैजिक बुक एंड ऑप्टिमाइज्ड का रेफरेंसेस यहाँ पे हमने दे दिया है। म्यूचुअल फंड्स ऑप्टिमाइज्ड क्वेश्चन 20, एडवांस कैपिटल बजेटिंग का एक अच्छा सम था, डिफरेंट सम था, आई लाइक इट। IRRM, फॉरेक्स के क्वेश्चंस थे, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ऑप्टिमाइज्ड के थे एज इट इज, वो मार्किंग कभी कर दिया आप लोग देख सकते हो। देन फिर बाद में IFM हो गया, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन था दैट वी हैड ऑलमोस्ट कवर्ड इन द रिविजन सेशंस ऑल्सो। सो ओवरऑल प्रैक्टिकल 110 मार्क्स एंड MCQ भी काफी पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही था, ये जो मैंने आप लोगों के लिए बताया। सो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का यार काफी वो लोग ने वेटेज दिया, आप लोग नोट कर रहे हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था, डेरिवेटिव्स एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा था, IFM फॉरेक्स में एक्सपेक्टेड था ही एंड आया भी ये बार। सो ये है क्वेश्चन 1A, B, C। अबेंडनमेंट ऑप्शन, कुछ लोग उसको एडवांस कैपिटल बजेटिंग की तरह भी आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड ऑन कैपिटल बजेटिंग लेना है, बट बिकॉज इट हैज ऑप्शन वाला एक पॉइंट था, तो इसको डेरिवेटिव्स भी कंसिडर कर सकते हो। थियोरी था हार्डली, बहुत कम थियोरी था वैसे तो। म्यूचुअल फंड का इजी क्वेश्चन था, तो अब आपको जैसा मैंने बोला था आइडेंटिफाई करने होता है कौन से इजी क्वेश्चंस हैं एंड डू इट अकॉर्डिंगली। IRRM का छप्पर फार वेटेज, सो यू कैन नॉट लीव IRRM फॉर ऑप्शन। सो इन शॉर्ट देखो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, IRRM, जो मैं बोलता हूँ ना फेज 2, ये सब चीजें बेटा कनेक्टेड है,
और अगर आप लोग बराबर से उसको कनेक्ट करके करोगे ना, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर श्योर. ये बार फेज टू का काफी वेटेज था, बेसिकली फेज वन फेज टू का काफी ज्यादा वेटेज था एज यू कैन सी. फॉरेक्स में से नॉस्त्रो वॉस्त्रो का यार मैंने सम करवाया हुआ है, ये श्योर शॉट वाले में देखा होगा आपने, इट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल टू यू. फिर डेरिवेटिव्स बिजनेस वैल्यूएशन में ईवीए का क्वेश्चन आ गया, सो ये आई थिंक आई एम श्योर यू वुड हैव मैनेज्ड इट वेल. स्टार्टअप का एक 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन था, IRRM, I'm sure आपने नहीं किया होगा, स्टार्टअप का ही क्वेश्चन कर लिया होगा, सक्सेशन प्लानिंग वाला. देन अगेन IFM फॉरेक्स काइंड ऑफ अ कॉम्बाइंड क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनली IRRM पोर्टफोलियो MFC इंस्टीट्यूट ने इसको क्लोज किया. सो ऑल इन ऑल अ गुड पेपर. मार्क्स का अगर आपको बाइफर्केशन देखना है तो देख लो, ये मैंने थोड़ा खाई में बनाया, आई मे हैव मेड सम मिस्टेक हियर, आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल दिस इज हाउ द पेपर वाज. रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटाइजेशन जो थियरी वाले है उसमें से कुछ नहीं, बट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एडवांस कैपिटल बजटिंग म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स फॉरेक्स, हाँ डेरिवेटिव्स तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज तो देखो, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल. सो ऑल इन ऑल अकॉर्डिंग टू मी द पेपर वॉज एज आई टोल्ड यू ऑल अबाउ एवरेज. आप लोग भी आपका कमेंट्स में बता सकते हो कि कैसा रहा आप लोग का ओवरऑल थिंग. एंड अब आ जाओ ऑडिट के ऊपर. लास्ट टाइम जो मेजॉरिटी पब्लिक नहीं क्लियर हो पाया था वो ऑडिट की वजह से था, सो ट्रेंड के हिसाब से ये बार इजी आना चाहिए ऑडिट, बट यू कैन नॉट रिलैक्स. ICAI है, कुछ भी कर सकता है. सो मेरा सजेशन रहेगा कि आज प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर लो मस्त में, विद शेड्यूल विद क्लॉजेस, सब जितना आप लोग का नॉलेज है ना झोंक दो आज एज रिगार्ड्स प्रोफेशनल एथिक्स. कल का पूरा दिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर एंड देन फिर बाद में मिसलेनियस टॉपिक्स इज व्हाट यू कैन डू. ज्यादा दिल पे मत लेना पेपर्स को, पेपर सबके अबव एवरेज ही जा रहे हैं. FRB कोई बहुत अच्छा नहीं गया लोगों का, AFM इज ऑल्सो ओके ओके. सो इसके लिए इन जनरल जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है ये बार के लिए, दैट हैज बीन ऑन एंड एवरेज अबव एवरेज थिंग. सो इसके लिए ज्यादा दिल पे मत लेना यार मेरा पेपर खराब गया, मैं ये कर सकता था, मैंने वो कर दिया होता तो. अब जो हो गया है वो हो गया, फिलहाल ऑडिट के ऊपर फोकस करो, अच्छी तरह से लिखो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, बट अच्छी तरह से ऑडिट को लिख कर. टाइम फॉर मीडू से हस्ता ला विस्ता. आई हैड ए ग्रेट टाइम विद यू ऑल, स्पेशली फॉर दिस अटेम्प्ट रिकॉर्डिंग द नवरात्रि बैचेस, द रिविजन वीडियोज, श्योर शॉर्ट लेक्चर्स, मैराथन, द थियोरीज, सब चीज में काफी काफी अच्छा रहा ये पूरा थिंग. ठीक है, चलो मिलते हैं अभी आने वाले एक हफ्ते तक. तो अब मैं एटलीस्ट AFM के लिए आप लोगों को बॉदर नहीं करूंगा, फिर एग्जाम के बाद डिस्कस और करना है डिटेल में पेपर को करेंगे. टिल देन हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, मंजिल अभी बाकी है, राह पे अच्छी तरह से अभी और चलते जाना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. सिर्फ आपको अब अगर किसी को अभी देखो जिसको निकलना है वो निकल सकता है, किसी को एकदम डिटेल वाला एनालिसिस करना है, कोई बोलता है ऑडिट में एग्जेम्पशन है, तो फिर आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे, दिस वॉज अ मैनेजेबल क्वेश्चन. सो MCQs थैंकफुली मैनेजेबल था गाइस, राइट, MCQs मैनेजेबल था, ये तुम लोग को मानना पड़ेगा. सो MCQs में आई एम श्योर यू वुड हैव सिक्योर्ड गुड. MCQs डेरिवेटिव्स का भी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का भी, आई थिंक इट वॉज प्रीटी बॉन्ड वाला है, प्रीटी गुड. एंड एज रिगार्ड्स द मेन पेपर इज कंसर्न, यस, ये एक चैलेंजिंग अच्छा पेपर था. सो ये आई थिंक पोर्टफोलियो का है क्वेश्चन, अबेंडनमेंट ऑप्शन, अबेंडनमेंट ऑप्शन का मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है इन माई रिविजन वीडियो ऑफ डेरिवेटिव्स. Hopefully you would have done it properly at there. Okay, फिर बाद में NAV calculate करना है, so mutual fund again manageable, but again a good question. So time लगेगा चीजों को आपको इसमें करने में, and that's how it is. Conceptually बहुत strong होना पड़ेगा आपको इस subject में. I hope ये realize हो गया होगा, because अगर conceptually strong नहीं हो गया ना तो फिर it will become very difficult, आपके सर पे आ जाएगा. मैंने जैसे मेरे batch में बोलता हूँ students को, आपको start करना है, चीजें स्टार्ट करो, करते जाओ, एंड देन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर श्योर. एंड दैट्स व्हाट दिस पेपर वाज ऑल अबाउट. इनिशियली देख के आपको एकदम ऐसा नहीं लगे अरे ये क्वेश्चन देखा हुआ है, फिर उसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे. तो यू नो टू अब्सॉर्ब दैट, मैनेज दैट, एंड देन अटेम्प्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जैसे ये FRA का क्वेश्चन है, लॉजिकली FRA क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी जैसे नोस्त्रो वोस्त्रो का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे हाई लेवल का क्वेश्चन, मैंने वो श्योर शॉट वाले में मेरे में करवाया हुआ है, एंड easy to score 8 marks. अब अगर आपने ये पूरा चैप्टर ही ऑप्शन में छोड़ दिया, जैसे कुछ लोगों की आदत है कि फॉरेक्स सोचते ही छोड़ देते हैं, it doesn't make sense, right? खाली आपने वो रिवीजन वाला मेरा वीडियो भी देखा होगा ना प्रैक्टिकल का, तो भी ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से कर पाओगे, विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. एंड 8 mark का क्वेश्चन है, अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ा तो आपको ये FRA का भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो पूरा एक बंच निकल गया. अब इसके बाद कुछ सामने डिफिकल्ट आता है, जैसे आपका डेरिवेटिव्स भी इतना स्ट्रांग नहीं है या है, तो यार थिंग्स कैन बिकम
यू नो चैलेंजिंग. अब जैसे अपने को इन जनरल क्वेश्चन में क्या रहता है कि बीटा ये वाला दिया हुआ होता है ना, अपने को पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने को बोलते हैं. इस बार इन्होंने क्या किया, पोर्टफोलियो बीटा दिया आपको, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है मैनेजेबल ही लॉजिकली, बट जब ये फर्स्ट टाइम अपन करते हैं ना अचानक से, तो थोड़ा इट 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 राइजेस ऑन यू. वैसा दैट्स इट, और कुछ बाकी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने मैराथन में करवाया हुआ है, सो आई एम श्योर यू वुड हैव डन इट. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मैनेजेबल क्वेश्चन था फ्रॉम द मॉड्यूल, सो नॉट अ प्रॉब्लम आई एम श्योर एट ऑल. सक्सेशन प्लानिंग इजी क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टअप फाइनेंस, आई एम श्योर यू वुड हैव डन इट. ये सिमिलर क्वेश्चन है ही अपना मॉड्यूल में, सो ये भी आप लोग अगर नोट करोगे तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है. ठीक है, अब मैं मॉड्यूल बोल रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज में भी है ये सब चीजें. ये देखो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मैं बोलूंगा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो देखते ही देखते अभी आप लोग देखोगे ये भी मैं इसको है ना मॉड्यूल का ही क्वेश्चन मानूंगा. फिर बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये सिमिलर है क्वेश्चन, ये मॉड्यूल के सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला मॉड्यूल. आज मुझे किसी ने पूछा भी था रिवर्स वाला क्वेश्चन. सो अब आप देखते हो तो देखते ही देखते 6 मार्क, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 + 4 24, 28 ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. तो 35 मार्क्स तो मुझे इधर ही मॉड्यूल का दिख गया, एमसीक्यूज में अलग से 30 मार्क्स का था वो मैनेजेबल था, तो 65 मार्क्स तो आपको यार दिख रहा है मॉड्यूल का, ऑप्टिमाइज्ड का या मैजिक बुक का. सो देन यू नो यू कैन नॉट से कि यार नहीं हो पाया, राइट right? ये देखो ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. अब यार सीए फाइनल लेवल पे हो एज इट इज, तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, थोड़ा तो बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेगा ही. एंड आई एम श्योर नाउ एट दिस लेवल इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मैनेज दोज थिंग्स एज वेल. चलो एनीवेज अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ये मैंने खाली एडिशनली इसीलिए बताया कि इन केस किसी को इंटरनली भी चीजों को जानना है तो भी वो देख सकता है. चलो बाकी और कुछ भी हो लेट मी नो, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर इन केस आपको कोई और. AFM का तो मैं एक भी डाउट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इन जनरल आप लोगों को एग्जाम के बाद कुछ डिस्कस करना है तो दिस इज माई नंबर, लेट मी नो एंड वील गेट बैक टू यू. चलो बाय बाय, थैंक यू फाइनली वाला.